हेलो दोस्तों, मिस्टी बुन में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हमने बनाए हैं गुड़ वाले मीठे मखाने। खाने में बहुत ही पौष्टिक, आयरन और कैल्शियम से भरपूर। मेरा वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए देखिए हमने कैसे बनाए हैं गुड़ वाले मीठे मखाने। इसके लिए हमने मखाना लिया है। अब मखाने को आपको भून लेना है। हमने फ्राई पैन में डाला है देसी घी और गैस एकदम मीडियम फ्लेम पर रहना चाहिए क्योंकि मखाना बहुत तेज़ी से जलता है। अब इसमें हम इसको भून लेंगे। भूनने के बाद बहुत ही क्रिस्पी हो जाएगा ये। आपको ज़्यादा इसमें घी या चाहे तेल आपको डालने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। थोड़े में ही ये बहुत अच्छे से देखिए भून गया है मेरा मखाना। अब हम लेंगे गुड़ और गुड़ को हमने देखिए फोड़ लिया है और फ्राई पैन में डाला हमने देसी घी। आप जो भी अगर दाल खाते हैं आप डाल सकते हैं। अब इसको इसका पाक तैयार करेंगे हम। देखिए गुड़ हमारा मेल्ट होने लगा है। इसको मीडियम फ्लेम पे ही आपको गुड़ का पाक तैयार करना है। इसमें डालेंगे थोड़ा सा अदरक और 8-10 दाना काली मिर्च का हमने डाला है इसमें। इसको हमने पीस करके तैयार कर लिया है और इसको मिक्स कर लेंगे। गुड़ में अदरक और काली मिर्च का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब देखिए पाक हमारा तैयार हो गया है। हमने पानी में डाल के देख लिया। इस तरह से देख लेना है आपको। पाक एकदम तैयार हो गया है। अब इसमें हम डाल देंगे मखाना और पाक में आपको मखाने को अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस तरह से पूरा तरह से मिक्स कर लीजिए, इसे जो पाक बना है वो मखाने में मिक्स हो जाए। और हमने मूंगफली भून के रखा है जिसके हमने छिलके उतार के रख लिए हैं और उसको हमने पीस के तैयार कर लिया है। और ऊपर से हम पीसी हुई मूंगफली को आदेश लगती है। आप मूंगफली के टुकड़े को जो हमने डाल दिया इसको मिक्स कर लेंगे। आपको अच्छे से मूंगफली को मिक्स कर लेना है कि जिससे वो मखाने में सट जाए और पाक में एकदम मिक्स हो जाए। अब इसको हम मीठा मखाना है इसको हम प्लेट में निकाल देंगे। अभी मखाना ये बहुत ही गर्म है इसलिए एक दूसरे से सटे हुए हैं और ठंडे होने के बाद एकदम अलग अलग हो जाएंगे। आप इसको जब चाहें तो जब भी मन करे तो आप बना सकते हैं। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी। मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। नमस्कार, मिलेंगे अगले वीडियो में।